मोदी ने उड़ीसा में जनसभा के दौरान बीजेडी पर जमकर हमला बोला और कहा उड़ीसा में प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े हैं, गुजरात में तो केवल नमक होता है मगर उड़ीसा में खनिज संसाधन से लेकर पर्यटन तक सब कुछ भरा पड़ा है। गुजरात से 100 गुना ज़्यादा उड़ीसा में विकास के रिसोर्सेस हैं, फिर भी राज्य का विकास नहीं हो पाया। नवीन पटनायक ने तो कंधमाल को पिछड़ा जिला घोषित कर अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। हमने कंधमाल को देश का आकांक्षी जिला घोषित किया। यहाँ क्या काम चल रहा है, हमारी चैम्बर में एक स्क्रीन लगी है, हम खुद निगरानी करते हैं। बीजेड नेता शिक्षण संस्थान में कब्जा कर बैठे हैं, आदिवासियों की जमीन हड़पने में जुटे हैं। भाजपा सरकार आने पर हर माफिया पर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीन बाबू इतने वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं, आखिर उड़ीसा की जनता आपसे दुखी क्यों है? क्योंकि नवीन बाबू बिना कागज लिए उड़ीसा के जिलों या जिला मुख्यालय के नाम बोलिए, वो नहीं बोल पाएंगे। जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के जिलों या मुख्यालयों के नाम बिना कागज के नहीं बोल सकता, वो आपके दुख दर्द को क्या समझेगा? क्या उन पर आप अपने भविष्य को छोड़ सकते हैं? 5 सालों में हमें मौका दीजिए, आपके उड़ीसा को नंबर 1 बना देंगे। एक बार भाजपा की सरकार भुवनेश्वर में बनाइए, दिल्ली में 400 के भागीदार बनिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में पस्त है, बीजेड को जो हटाना चाहते हैं तो कमल पर वोट करें। कमल है तो शांति और विकास है, कमल है तो सुरक्षा है, समृद्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ीसा में पर्यटन की असीम संभावना है, उड़ीसा सरकार की उदासीनता की वजह से यहाँ टूरिज्म व्यवस्था चौपट है, भाजपा सरकार टूरिज्म क्षेत्र में विकास करना चाहती है। भाजपा ने मुद्रा योजना शुरू की है, इसके तहत बिना गारंटी बैंक से 20 लाख रुपये लोन लेकर टूरिज्म सेक्टर में आप अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों का भी मुद्दा उठाया और कहा कि 4100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारी सरकार बनेगी तो धान खरीदी जाएगी, पैसा 48 घंटे में आपके खाते में जमा हो जाएगा। कंधमाल की हल्दी मशहूर है, हमने कंधमाल हल्दी को GI टैग दिया है। नवीन सरकार ने हल्दी किसानों को भी बेहाल रखा है। उड़ीसा भाजपा ने कंधमाल में मसाला पार्क बनाने की घोषणा की है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का भी हमने गठन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा उड़ीसा के विकास का रोड मैप तैयार कर चल रही है। मैं गरीबी से निकला हूं, गरीबी विकास की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, इसलिए गरीब का बेटा मोदी, गरीब का सेवक मोदी आपके लिए तो खुद को खपा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। मैं चाहता हूं आप अपने घर में से बिजली का उत्पादन करें, उस बिजली का उपयोग करें जो ज़्यादा बिजली पैदा हो, उसे भाजपा सरकार खरीद लेगी, आपको कमाई भी होगी, इससे आपको डबल फायदा होगा, आपकी बिजली का 0 बिल होगा और बिजली से कमाई भी होगी। भाजपा सरकार हर परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए करीब 75,000 रुपये की मदद कर रही है, 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा हम यहाँ देना चाहते हैं, मगर उड़ीसा सरकार यहाँ लागू नहीं होने देती है।